गाइस वेलकम टू द न्यू व्लॉग जैम लोथर ऑल इन वन में। ये जैम लोथर आपका फिर से स्वागत करता है और आज का एक ये नया व्लॉग है। ये आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर शूट कर रहा हूँ, तो जैसे कि अभी मैं बस एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ। एक्सरसाइज के बीच में जैसे ही टाइम मिला मुझे लगा कि एक बार व्लॉग तो शूट करना ही चाहिए, क्योंकि अपनी पब्लिक से वादा जो किया है। तो आज के वर्कआउट में हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शोल्डर्स, बाइसेप्स और चेस्ट हमने कल किया था, शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ अच्छा होगा तो ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रिजल्ट जब आने लगेंगे तो ही दिखाने का फ़ायदा होता है, अदरवाइज रिजल्ट दिखाने का फ़ायदा ही क्या है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल एक सब्सक्राइबर ने मेरे से कमेंट सेक्शन में ये पूछा था कि भाई मिनोक्सिडिल को लगाना कैसे है, क्या प्रोसेस होता है और दिन में कितनी बार लगाना होता है। ये टोटली आप पे ही डिपेंड करता है कि आपको मिनोक्सिडिल को कैसे अप्लाई करना है। उसमें आपको ड्रॉपर भी मिलता है, स्प्रे वाला भी मिलता है। बेस्ट ऑप्शन होता है स्प्रे वाला, क्योंकि उससे आपका वो स्प्रिंकल होता है वो आपके सिर में आराम से लग जाता है, दिन उसके बाद आप उसको हल्का सा रब करके रूट्स तक पहुंचा सकते हैं। और ये भी आप पे डिपेंड करता है कि चाहे आप उसको एक बार यूज़ करें चाहे आप उसको दो बार यूज़ करें। मैं पर्टिकुलरली उसको एक बार यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया है कि उसको दो बार यूज़ करो इनकेस अगर हेयर फॉल का इशूज़ ज़्यादा है। तो मेरी बात को नोटिस कीजिएगा, इनकेस अगर हेयर फॉल का इशूज़ ज़्यादा है तो ही आप इसको दिन में दो बार लगाइएगा, अगर नहीं है तो इसको आप एक ही बार लगाइएगा। क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि जब इसको आप लगाना छोड़ते हैं तो आपका हेयर फॉल डबल स्पीड से होता है। ये नहीं कि एकदम ही आपको गंजा कर देगा या सब कुछ कर देगा, लेकिन आपने अगर एक बार मिनोक्सिडिल लगाना स्टार्ट किया तो आपको लगानी ही पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको एक मेडिसिन भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो कि मैंने आपको उस दिन बताई थी, डॉक्टर रेडीज़ की ही फिनिस्ट्राइड भी आती है, कॉस्ट अराउंड 230-250 होती है। उसको ज़रूर इसके साथ लीजिएगा ताकि इसके इफेक्ट जो भी हों वो आपको डबल दिखाई देंगे। देन मैं आपको आज अपना वर्कआउट तो नहीं दिखा सकता बेसिकली, लेकिन आज मैं बिल्कुल जिम में अकेला हूँ, बिल्कुल जिम के अंदर ही शूट कर रहा हूँ, तो देखिएगा तो पूरा ही जिम आप अपने लिए अकेला है, एक तरह का होम जिम है। और कल मैंने आपको बताते बताते एक चीज़ गलत बता दी थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इसकी फ़ीस 200 रुपये पर मंथ नहीं है, 3 मंथ की फ़ीस, 3 मंथ की फ़ीस 200 रुपये है, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी है जो उसकी मेंटेनेंस आती है उसी में इंक्लूड होता है। तो 200 रुपीज़ की फ़ीस है पर फ्लैट मेंबर्स के हिसाब से फ़ीस जाती है, कि एक फ्लैट में अगर 10 बंदे भी रहते हैं तो फ्लैट के हिसाब से ही मेंटेनेंस फ़ीस ली जाती है, और उसी में 10 बंदों के लिए 200 रुपये फ़ीस है। देन मैं आपको अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कल की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अब जैसे क्रिसमस आ रहा है, आप लोगों को सबको पता है, तो क्रिसमस में बच्चों के लिए क्या गिफ्ट होना चाहिए, क्या मतलब, क्योंकि ज़्यादातर फादर्स सेंटा का रोल प्ले करते हैं और बहुत से ऑफिसेज में सीक्रेट सेंटा का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो हो सका तो मैं बजट फ्रेंडली आपको गिफ्ट सजेस्ट करूंगा, और इन केस अगर आपको मेरी वो वीडियो समझ में आए और आपको वो पसंद आए तो आप उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, तो जो मैं आपको बताने जा रहा था उसमें अब ये है कि मेरे आज एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा, यार सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ते हैं। मैं तो अब इसके लिए मतलब व्लॉगिंग का, उसके भी अपना चैनल चालू करने का कोशिश किया है, देन अब वो मेरे से ये पूछ रहा है कि इसके सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे, देन सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँ, मैं कैसे वीडियो शूट करूँ। इसका तो आइडिया सच में कहूँ तो मुझे भी नहीं है, लेकिन जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उन सबसे मैंने यही सीखा है कि आप स्टार्टिंग में कुछ भी मत इन्वेस्ट करो। व्लॉगिंग अच्छी है, आप अपनी डेली लाइफ शेयर कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है, और लोगों को मज़ा भी आता है अपनी लाइफ में इंटरेस्ट लेने में, क्योंकि आजकल लोगों की आदत है अपनी लाइफ को छोड़ के दूसरी लाइफ में ज़्यादा मज़े लेने में मज़ा ही आता है। देन साथ ही साथ वो अभी से उनके 50 सब्सक्राइबर्स के अप्रॉक्स हैं, देन वो अभी से गोप्रो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इन्वेस्ट करो, इनकेस अगर आपके पास पैसा है और अच्छा पैसा है तो आप उसे ज़रूर इन्वेस्ट करो। बाइसेप्स का वर्कआउट इम्पोर्टेंट होता ही है यार, एंड में एक ये भी शूट होता है। बस जिम क्लोज होने का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 9:45 के अप्रॉक्स हम पहुंच चुके हैं, तो मेरी यार वॉइस का कोई इशू ना हो, और अब जैसे कि पता है क्रिसमस आ ही रहा है तो ऑफिसेज में गेम्स स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत से कुछ होते हैं, तो कल की वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। देन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है और कैसा आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं।
जो व्लॉग कल कहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ चुके हैं। वर्कआउट एंड हो गया है, 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं और व्लॉग को भी एंड करूँगा और जितना हो सकेगा आपके साथ शेयर करूँगा। ये तो बाइसेप्स का ग्लिम्स था, पहले बहुत अच्छी शेप में हुआ करता था, लेकिन अब फैट होने के बाद तो आपको पता है कि फैट बहुत धीरे धीरे ही जाएगा। कोई भी सप्लीमेंट्स अभी नहीं ले रहा, कोई भी सप्लीमेंट लेने का अभी सोच भी नहीं रहा। पहले थोड़ा सा रेगुलर हो जाऊँ, फिर इसके बारे में कोई एक फैट बर्नर या प्रोटीन का सोचूंगा ज़रूर। और अगर इन केस मैंने होममेड प्रोटीन लिया तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। देन और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इम्पॉर्टेंट सब कुछ होता है, इम्पॉर्टेंट सब कुछ होता है। सब कुछ किसी के जाने से या किसी के आने से किसी की लाइफ नहीं रुकती, लेकिन किसी का जाना किसी को क्या इफेक्ट कर जाता है वो पता नहीं क्या हो जाता है। इसलिए अगर किसी के साथ भी हो तो लॉयल रहो, लॉयल रहने से सब कुछ अच्छा होता है। तो आज का ज्ञान बस इतना ही, लॉयल्टी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये पीछे से आप देख सकते हैं तो आपको ये पूरी सोसाइटी दिखाई दे रही है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देना ही मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो अब सिक्योरिटी गार्ड भी मुझे देख रहा है कि भैया ये कब जाएंगे, कब इनका ये शूट ख़त्म होगा या क्या ख़त्म होगा। उसको तो एक्चुअली पता भी नहीं कि मैं कर भी क्या रहा हूँ। सो जिम में अब अकेला था इसलिए फिर वीडियो शूट कर सका, लेकिन क्योंकि साथ होता है तो अच्छा नहीं लगता, लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। और हो सका अगर अपनी अच्छी बॉडी बन गई तो सबके सामने शूट करेंगे, फिर तो कोई इशू नहीं है। आप सभी से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो देख ली है तो आप मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करो और फैला दो जितना फैला सकते हो। धन्यवाद जी।